भ्रष्टाचार प्रबंधक विभाग के एंटी करप्शन विभाग ने खापा थाने के एक सहायक पुलिस अधिकारी तथा एक सिपाही को 35,000 रुपए लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। 3 फरवरी 2023 की शाम करीब 5:30 बजे दरगाह रोड स्थित पानी की टंकी के समीप यह कार्रवाई की गई। आरोपियों में 28 वर्षीय पुलिस सब इंस्पेक्टर ओम काले गुरुवार और 32 वर्षीय पुलिस कांस्टेबल दिनेश गंगाधर गिरडे शामिल है। करीब एक माह पूर्व खापा थाना अंतर्गत अवैध रेती चोरी के मामले में सामने राजस्व विभाग द्वारा 27 रेती चोरों के खिलाफ मामले दर्ज कराए गए थे, जिसमें खापा के नाम से एक ट्रैक्टर था जिसका नाम उमेश निमजे था, लेकिन उमेश निमजे ने 3 महीने पहले ट्रैक्टर को किसी अन्य व्यक्ति को बेच दिया था, लेकिन खापा थाने में उसके खिलाफ IPC की धारा 379(34) के तहत मामला दर्ज किया गया था। यदि आप उक्त अपराध से बचना चाहते हैं, वहीं गिरफ्तार नहीं होना चाहते हैं और अपराध में PCR नहीं लेना चाहते और ट्रैक्टर को भी जब्त नहीं करवाना चाहते हैं तो 40,000 रुपए की मांग की गई। इस कारण उमेश निमजे ने एंटी करप्शन ब्यूरो में शिकायत कर 35,000 रुपए पर सहमति बनाई। तदनुसार उमेश निमजे ने लचलुचपुर से संपर्क किया और उन्हें सच्चाई बताई और आज उन्हें बुलाया गया। उमेश निमजे ने पुलिस उपनिरीक्षक ओम काले गुरुवार और पुलिस कांस्टेबल गंगाधर गिरडे को खापा में दरगाह रोड पर पानी की टंकी के पास रुपए देने के लिए बुलाया। जैसे ही रिश्वत की रकम API कल गुरुवार ने स्वीकार की, वैसे ही एंट्री करप्शन ब्यूरो के अधिकारियों ने उसे धर दबोचा। उक्त कार्रवाई में पुलिस उप अधीक्षक अनामिका मिर्जापुरे, पुलिस निरीक्षक प्रवीण लकड़े द्वारा की गई है। प्रीति शिंदे, महिला पुलिस गीता चौधरी, आशु श्रीमारे, अस्मिता मेश्राम, सदानंद शिरसाट आदि ने इस कार्रवाई में भाग लिया। NBCN न्यूज के लिए संवाददाता किशोर ढूंढेले की रिपोर्ट।